पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके बाद तमाम मंदिर की परिक्रमा भी कर रहे हैं। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर शिव के द्वार पर पीएम मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से वे भक्ति भाव में डूबे हुए थे, किस तरह से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की है, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। बहरहाल तमाम घटनाक्रम एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज 9:30 बजे के आसपास देहरादून पहुंचे थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वे केदारनाथ धाम पहुंचे। अब चूंकि अगले 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे, और ऐसे में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर शीश नवाया, पूजा अर्चना की। इसके बाद कई और कार्यक्रम है जहां पर उन्हें जाना है। अगर इस यात्रा की बात की जाए तो काफी तैयारियां की गई थी, प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी इकाई की बात की जाए तो बीजेपी इकाई भी लगातार इस पूरे दौरे को, पूरी यात्रा को बेहतर करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। इन सब चीज़ों से अलग आज केदारपुरी में एक जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पर साधु संतों के साथ उनका वार्तालाप होगा, उनसे बातचीत करेंगे, तो उन तमाम परिस्थितियों को वे समझने की कोशिश उन साधु संतों से भी करेंगे कि असल में वाकई वहाँ हालात हैं क्या। इन सब चीज़ों से अलग केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो पर्यटन की काफ़ी संभावनाएँ यहाँ नज़र आती हैं, और इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी परियोजनाएँ हैं जिसका शिलान्यास आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं से आखिर होगा क्या? दरअसल पर्यटन के क्षेत्र में कई सारी गुंजाइशें हैं, वो पुख्ता हो जाएंगी। श्रद्धालु अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करेंगे तो फिर यहाँ पर जाने के लिए वे कदम उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से 2013 में त्रासदी आई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसके बाद जिस तरह से उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बिल्डअप किया है, इसे तैयार किया, और उसके बाद अब जिस तरह से मौजूदा सरकार इसके लिए काम कर रही है, बेहद अहम हो जाता है कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके, लोगों के विश्वास को और जीता जा सके, और इसकी कोशिशों में लगातार सरकार जो है वो कदम उठा रही है। उन कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा ये कह लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी इसकी यात्रा पर आए हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास वे करेंगे। सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़ी हुई वो योजनाएं होंगी, स्थानीय लोगों को फ़ायदा करेंगी, श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं उन लोगों के लिए भी कई अहम चीज़ें इससे निकल कर सामने आएंगी।